नहीं है। हाँ भाई, गुड इवनिंग राधे राधे। 2100 प्रश्न अपने चल रहे थे, 2100 प्रश्नों में अपन ने कल तक की क्लास में कर दिए थे 1100 क्वेश्चन पूरे कर दिए थे। 1100 प्रश्नों के बाद में आज अपन शुरू होंगे 1101 से लेकर के जहां तक चलेंगे वहां तक चले जाएंगे दोस्तों। तो 1100 क्वेश्चन अभी तक हो गए, मैं आशा करता हूँ कि इन 1100 प्रश्नों को करने के बाद में हल्का फुल्का ना शिक्षण विधि के अंदर अब आपके अंदर सुधार आ भी गया होगा और धीरे धीरे आपको लग भी रहा होगा कि नहीं, शिक्षण विधि जो एक सरल भाग है इतना कठिन भाग नहीं है जितना कठिन इसको समझा जाता है। और वास्तविकता में भी देखा जाए दोस्तों, ध्यान रखना, मैं 2100 प्रश्न आपको करूंगा ना, 2100 प्रश्न करते करते देखना आपको 100% ये क्या लग जाएगा, बिल्कुल सरल लगने लग जाएगा, बिल्कुल स्वाभाविक लगने जाएगा, कोई इसमें दिक्कत जैसी बात नहीं। आज आपको हल्की फुल्की एक दो क्लासे मिल गई होगी दूसरी की भी, तो ना दूसरी क्लासे भी क्या होगी, अब धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। जैसे मैंने कहा था कि मंडे से स्टार्ट कर दूंगा, आपको मिल रही है, तो ऐसे धीरे धीरे क्लासे आती रहेगी, जैसे जैसे आपके काम की चीजों आपके जो टॉपिक से रिलेटेड हो वो देखते जाना। सिलेबस अपने पास में रखना, मैं सारे टॉपिक पढ़ूंगा वैसे सब्जेक्ट वाइज, फिर भी सिलेबस अपने पास में रखना, टॉपिक टू टॉपिक देखते जाना कौन कौन सा टॉपिक पूरा हो गया या नहीं हो गया दोस्तों। ऐसे आपकी क्लासे आती रहेगी, बाकी 9 से 10 जो आ रही है जो आई रहेगी, ये तो प्रतिदिन की तो बंद होने वाली है नहीं, और बाकी जो दिन में क्लासे आ रही है ना वैसे आपको मिलती रहेगी। और जिस दिन आपके 2100 प्रश्न पूरे हो जाएंगे दोस्तों, उस दिन समझ लेना कि आपका लेवल शिक्षण विधियों के अंदर टीचिंग मेथड्स के अंदर एक बहुत अच्छा वाला और बहुत ही उत्कृष्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन देखते ही ना, प्रश्न देखते ही पता चल जाएगा कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। अभी जो अपन चल रहे थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा ला रहे हैं, हालांकि रीट में प्रैक्टिकल प्रश्न कम आते हैं, लेकिन फिर भी अपन संभावनाएं छोड़ना नहीं चाह रहे ना, इसलिए मैं जितना भी हो सक रहा है ना अधिक से अधिक आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य कि भाई दबे कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाए, प्रायोगिक क्वेश्चन भी आ जाए, तो उसके आंसर देने में आप पीछे नहीं रहो। अभी तक हमने जितने भी किया ना लगभग सारे प्रश्न पिंग पॉइंटेड किए, सीधे सीधे उत्तर थे। अब जो आते ना थोड़े से घुमाव वाले रहेंगे प्रश्न, ऐसे प्रश्नों की कल वाली क्लास में अपने थोड़ी बहुत प्रश्नों की चर्चा की थी, आज वाली क्लास में मैं कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आया हूँ दोस्तों। अरे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं गणित की और विज्ञान के लेकर क्या हो, अरे गणित की और विज्ञान के लगभग जो ला रहा हूं ना इसमें 2-4 क्वेश्चन हर बार मिले हुए रहते हैं, और भी आपको नहीं लग रहा है ना संतुष्टि नहीं मिल रही है, 2100 प्रश्न होने दो, एक दो क्लास स्पेशल है ना 100-100 प्रश्नों की आपके लगा देंगे, 150-150 प्रश्नों की जो भी होगी, जो कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है, गणित विज्ञान का भी सब कुछ करवा देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, बिना समय गवाए बहुत ही सुंदर प्रश्न है पहला। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, आप बालक को लिखे हुए कार्य की आप जांच कर रहे हो, बालक ने जो भी लिखा है उसकी आप उसको आप चेक कर रहे हो, तो लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, बच्चों की हेल्प लेने से क्या होता है, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। आप क्या कर रहे हो, किसी चीज की जांच कर रहे हो, कोई चीज जांच रहे हो, सपोज मानिए कॉपी जांच रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, कॉपी जांचने में किसी बच्चे की हेल्प ले रहे हो, मदद ले रहे हो, तो बच्चों की सहायता लेने से बच्चों के अंदर क्या होगा भाई, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढने सीख जाते हैं, बच्चे को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता का विकास का अवसर मिलता है, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। अब देखिए आप किसी की कॉपी जांच रहे हो और कॉपी जांचते जांचते सपोज मानिए कि आपने किसी दूसरे की कॉपी को चेक करते हुए देख लिया, अब आपके अंदर क्या चेंजेस आएगा भाई, केवल पठन कौशल का अभ्यास होगा, तो केवल पढ़ने के लिए तो आप किसी दूसरों की कॉपी नहीं देखोगे ना, तो ये तो अवसर उत्तर हो नहीं सकता। बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढने सीख जाते हैं, बच्चे यदि आप किसी की अध्यापक लेखन कार्य करा और आपको किसी दूसरे की कॉपी मिल जाएगी ना, आप अपने मतलब की चीज ढूंढोगे, गलतियां थोड़ी ढूंढोगे, गलतियां ढूंढने के लिए कॉपी थोड़ी देख रहे हो, ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। ये तीसरे वाले की लाइन बड़ी, इसको लास्ट में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं, हाँ थोड़ा बहुत ये भी सही हो सकता है कि दूसरे ने क्या लिखा है उनके विचारों का ज्ञान किसके माध्यम से हो जाता है, इसके द्वारा हो सकता है, थोड़ा बहुत ये सही हो सकता है दोस्तों। अब ये कह रहा है तीसरा, देखिए बच्चे को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री पढ़ने का अवसर मिलता है, यानी दूसरे बच्चे ने क्या लिखा है इसको पढ़ने का उसको क्या मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तथा पढ़ने का अवसर मिलकर अवलोकन क्षमता का विकास का अवसर मिल रहा है, दूसरे की कॉपी देख करके इस कॉपी में इसने क्या लिखा और इसने क्या लिखा, अवलोकन करने की क्षमता का भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो मोटे तौर पर देखे जाए तो इससे ज्यादा भारी ये लग रहा है अपन, तो इसको काट दो। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री पढ़ने के तो अवसर मिलते हैं, और साथ ही साथ में अवलोकन क्षमता के विकास के भी उसको क्या मिलता है, अवसर मिलता है। तो ये सी वाला सही होगा, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, बच्चों की अगर आप सहायता ले रहे हो ना, इसके पीछे आपका उद्देश्य यह होना चाहिए। सी जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, किसी भाषा कक्ष में
किसी अरे बच्चे संस्कृत के लिए भी कह रहे थे संस्कृत भी शिक्षण विधि लेकर के आओ। अरे बस संस्कृत में यही शिक्षण विधि आया कि केवल प्रश्न जो है ना हिंदी में लिखा नहीं हुआ और किस भाषा में लिखा हुआ होगा, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ होगा। और हमारे जो टाइपर है उनको संस्कृत टाइप करने में बड़ी दिक्कत होती है, आराम से संस्कृत टाइप कर नहीं पाते। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ 100-200 प्रश्न आपको संस्कृत के अंदर भी करूंगा। बाकी भाषाएं सेम चलती है, जो हिंदी है वही संस्कृत है, केवल 19-20 का फर्क है, कई कई चेंजेस है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ये प्रश्न चाहे यहाँ आ सकता है या लैंग्वेज बदल के वापस संस्कृत में भी आ सकता है, दोनों में सेम चलेगा, बस वहाँ पे लैंग्वेज संस्कृत की हो जाएगी। किसी भाषा कक्षा में यानी कोई पढ़ा रहे हो भाषा की कक्षा है व्यक्ति कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है, क्या पूछा है कौन सा तर्क उचित नहीं है। आप किसी कक्षा के अंदर कहानी कथन पढ़ा रहे हो, कहानी कह रहे हो, उसकी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है कि आवश्यकता है इसके पीछे राइट कौन सा नहीं है। द्वितीय चार में से कौन सा सही नहीं है, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये गिरा भी कहानी कथन का प्रयोग, कहानी कथन की आवश्यकता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। आप कहानी कथन की कक्षा के अंदर प्रयोग कर रहे हो इसलिए कौन सी बात इसमें से गलत है भाई, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल होता है, कहानी का मेन उद्देश्य ही कल्पना शक्ति का विकास करना, ये तो होता है, ये नहीं पूछ रहा है, इसका उत्तर नहीं होगा। बच्चों में शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आप कहानी सुना रहे हो कविता सुना रहे हो तो बच्चों के अंदर शब्द भंडार के अवसर प्राप्त होंगे, यह भी बिल्कुल सही है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं, इसको नोट करो। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, यह भी सही है, तो यह भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन काटने के हिसाब से देखें तो बी क्या हो रहा है अपना सही उत्तर हो रहा है, वैसे भी बी सही है क्योंकि सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित है कि आप कहानी कथन सुनाओ, क्योंकि कहानी कथन हर उम्र के बच्चों को क्या लगती है अच्छी लगती है, सब कोई बच्चा नहीं होगा जिसको कहानी अच्छी नहीं लगती, तो सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है, ये इसके लिए असत्य कथन होगा दोस्तों, उचित नहीं है। पीछे इसमें भी इसने लाइन लगाई उचित नहीं है, तो ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा भैया। देखिए अगला प्रश्न, सुलेखा किसी का नाम है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह किस ओर यह इस ओर संकेत करता है कि मतलब एक सुलेखा नाम की लड़की है, उसने क्या किया पाठ को पढ़ते पढ़ते पाठ में कोई शब्द आया जीवन नाम का शब्द आया, कौन सा शब्द आया जीवन नाम का शब्द आया, उसने जल्दबाजी में जीवन को क्या पढ़ लिया जिंदगी पढ़ लिया, जीवन न पढ़ करके वहां क्या पढ़ लिया उसने जिंदगी पढ़ लिया, तो सुलेखा का जीवन का जिंदगी पढ़ना यह किस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, यानी कि सुलेखा अक्षर की सही पहचान नहीं कर पा रही है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ समझते हुए पढ़ रही है। दोस्तों पहले तो इस केवल वाले को काटो, मैंने कहा ना केवल और एकमात्र वाले ऑप्शन कभी भी सही नहीं होते, इस केवल वाले को काटो। फिर आता है उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, अरे अक्षरों की पहचान में कैसे भ्रम होगा, ये जीवन है और इसने क्या पढ़ दिया जिंदगी, भ्रम होता था कि जीवन पढ़ लेता जीवन पढ़ लेता तो वो सही होता, इसने नया शब्द लगा दिया ग जो इसमें है नहीं वो भी लगा दिया, तो उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम तो नहीं हो रहा है दोस्तों। सुलेखा को ध्यान से सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती यह भी नहीं हो सकता है, लेकिन सही उत्तर जो होगा ना इसका क्या हो जाएगा, वह अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, क्योंकि वो इतने तेज गति से पढ़ रही है। आपको पता है जब आप अर्थ के द्वारा पढ़ते हो ना तो कहीं भी आपको यदि मान लीजिए कि लड़की लिखा हुआ भी है ना लकड़ी लिखा हुआ भी है और आप अर्थ के द्वारा पढ़ रहे हो, आगे और पीछे की बात संदर्भ केवल लड़की के संदर्भ में की गई है और अध्यापक बीच में पढ़ने वाला आदमी लड़की की जगह पे अगर लकड़ी भी लिख देंगे ना तो आप स्पीड से पढ़ते पढ़ते उस लकड़ी को भी लड़की पढ़ लोगे, क्योंकि आप अर्थ को समझते हुए पढ़ रहे हो, शब्द के ऊपर आपका ज्यादा फोकस नहीं है। तो ये इसके साथ में हो रहा है, सुलेखा के साथ में ये क्या कर रही है कि अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, उसके आगे पीछे की लाइन कुछ ऐसी थी जो जिंदगी से रिलेटेड थी इसलिए उसने जीवन को क्या पढ़ लिया जिंदगी पढ़ लिया। आपका जो सही उत्तर होगा ना वो ये हो जाएगा, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, ये क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई। ये देखिए अगला प्रश्न, पठन कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पठन कौशल का मतलब होता है पढ़ रहे हो, पढ़ने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है भाई, शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना,
तेज गति से पढ़ना या संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। अब ये कह रहा है पठन कौशल में जिसमें आप पढ़ रहे हो ना, तो उसमें सबसे मेन क्या है, शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चरित करना, ये भी उसका उद्देश्य है। पढ़ रहे हो ना तो पढ़ते पढ़ते आपको क्या करना है, उच्चरित करना है दोस्तों। ये तो इसके लिए सही, केवल अक्षर पहचानना नहीं हो सकता, तेज गति से पढ़ना भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो अपन ने काट दिए, अब इन दोनों में से एक सही है भाई, शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चरित करना या संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। दोस्तों पढ़ने का मेन लक्ष्य ये है कि आपके उच्चारण त्रुटि भले ही है फिर भी चल सकती है, लेकिन मेन है कि संदर्भ के अनुसार जो आप पढ़ रहे हो, जिस तरीके को आप पढ़ रहे हो ना, उसका आपको वास्तविकता में अर्थ ग्रहण पता होना चाहिए कि इसका वास्तविकता में मतलब क्या होता है। दोस्तों ये ज्यादा जरूरी है, शब्द के उच्चारण से भी ज्यादा जरूरी क्या है, संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो अपन कहेंगे इससे भी ज्यादा वेटेज किसका है, इसका है ना, अब इसको सही करेंगे, ये डी वाला जो होगा आपके उत्तर सही हो जाएगा, ये तीनों आपके उत्तर नहीं होंगे। ऑप्शन काटना सीख जाना ना तो जिंदगी में आनंद आ जाएगा, और ऑप्शन काटना यदि आप नहीं सीखे ना फिर शिक्षण विधि आपको है ना थोड़ा सा दुखी कर सकती है, इसलिए मैं हर बार आपको एक एक ऑप्शन काटना सिखाता हूँ कि ऑप्शन को कैसे हटाते हैं। एक ऑप्शन में यदि डिलीट हो रहा है ना तो भी करो, जरूरी नहीं है कि तीन के तीन हटेंगे आपसे, अरे चार में से एक डिलीट हो रहा है ना एक को तो करो, अब तो तीन में कंफ्यूजन रहेगा ना, दो हो रहे तो दो करो, अब दो में कंफ्यूजन रह रहा है ना, अपन चारों में कंफ्यूजन चलते हैं, इसलिए पहले डिलीट करो भाई कौन कौन सा हटेगा, जो नहीं होगा पहले उसको हटाओ। अब ये क्या कह रहा है प्रश्न देखिए, ये कह रहा है भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाषा यदि आप पढ़ा रहे हो तो शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना है कि उस शब्द का अर्थ क्या होगा, इसके ऊपर अधिक बल नहीं देना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, क्या पहला कारण ये बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, बच्चे सारे शब्दों को अर्थ जानते हैं, इसमें समय व्यर्थ होता है, शब्दों के अर्थ शब्दकोश में देखे जा सकते हैं। ये कह रहा है शब्दार्थ पर आधारित शब्दकोश में तो नहीं देखेंगे, अर्थ अध्यापक को बनाना, क्योंकि कोई भी अध्यापक आपको यह सजेशन नहीं करता कि मार्केट से गाइड खरीद के लियो, वो अर्थ वही बताएगा, इसको तो पहले से ही काटो। समय व्यर्थ होता है, क्यों होता है, शब्द का यदि ज्ञान दे रहे हो तो बालक का अधिगम बढ़ रहा है, शब्द वृद्धि बढ़ रही है, समय कैसे व्यर्थ हो रहा है, ये भी नहीं होता। बच्चे सारे शब्दों का अर्थ जानते हैं, कैसे जानते हैं सारे शब्दों का अर्थ, हर शब्द का नहीं जाना जा सकता। ऑप्शन काटने के हिसाब से मैं देखूं तो मैं इसको बिना पढ़े चौथे वाले को क्या कर दूंगा, सही कर दूंगा, क्योंकि नीचे वाला तीनों गलत है तो जायज ऊपर वाले सही होगा, फिर भी पढ़ लो इसको। बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, बालकों को अगर आप शब्दार्थ कम भी बता रहे हो ना वो क्या करेंगे कि आगे और पीछे की लाइन क्या लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग कठिन शब्द का भी अर्थ निकाल देंगे, इसका अर्थ ये हो रहा है, संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए भाषा शिक्षण में यदि आप शब्दार्थ कम भी बता रहे हो ना बच्चों को तो भी चलेगा, इसके पीछे कारण यही है, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ को क्या कर देते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ये आपके साथ में भी हुआ होगा, कभी कुछ ऐसी चीज नई चीज पढ़ रहे हो ना आप तो पढ़ते पढ़ते ये हो जाता है कि उसके वर्ड जो है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे की और पीछे की लाइन को देख करके उस शब्द का भी आप क्या निकाल देते हो, अर्थ निकाल देते हो। इसी को कहते हैं संदर्भ के अनुसार अनुमान लगा करके अर्थ निकालना, ये जो होगा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में प्रश्न क्या कह रहा है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, भाषा शिक्षण के लिए इन चार में से कौन सा सही नहीं है पूछा है इसने भी, कौन सा सही नहीं है। बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए, बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय में आते हैं। देखिए ये कह रहा है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, सबसे पहले नहीं पढ़ो, बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों को विस्तार में परिवर्तन कर सकते हैं। आपके द्वारा कोई भाषा को समझने के लिए आपने कोई शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, कोई नियम बना रखा है, तो आप उसको बढ़ा भी सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो, ये वाला तो सही है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, बिल्कुल, अगर समृद्ध कोई भाषा का वातावरण है, जैसे मान लीजिए ऑफिस के अंदर सारे के सारे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये समृद्ध अंग्रेजी भाषा का वातावरण हो गया, अब आपको अंग्रेजी नहीं आती है फिर भी वहां जाओगे ना उस वातावरण से आप अंग्रेजी को क्या कर लोगे, ग्रहण कर लोगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये कह रहा है बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसको एक बार डॉट करो, वैसे तो ये गलती है, बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये बात सही है, बच्चों ना जटिल संरचनाओं के साथ ना बड़े बड़े टब केवल याद किए तो उसको शॉर्ट कर दो ना, विद्यालय में आने के बाद में पता चलता है, ये तो सही है। तो ये तीनों बातें तो सही है दोस्तों, ये सी इसके सही में क्या है भी? गलत है। ये कह रहा है बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, त्रिभाषा सूत्र क्या कहते हैं, सबसे पहले ही मातृभाषा सीखो, जब मातृभाषा सीखा नहीं है तो फिर कक्षा के अंदर मातृभाषा का प्रयोग क्यों नहीं होगा दोस्तों, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी जो है क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा।
भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। आप अगर कोई लैंग्वेज पढ़ा रहे हो ना, उस लैंग्वेज वाली क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए, तो ये बात करा भी जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिकाधिक अवसर मिले, क्या ऐसा माहौल होना चाहिए, या जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहां भाषागत शुद्धता पर अधिक बल हो, या दीवार पर सुक्तियां लिखी हुई हो। अरे दीवार पर तो कितनी भी सुक्तियां लिख दो, उनको एक बार पढ़ लेगा, ये भाषा का कोई लेना देना नहीं, इसको तो काट लो। जहां भाषागत शुद्धता पर अधिक बल दिया जाता हो, अरे भाषा का माहौल ऐसा नहीं होना, शुद्धता पर बल नहीं, आपको अधिक से अधिक बोलने का माहौल बनाना है, बच्चों को ना अधिक से अधिक बोलने का मौका मिले, ये भी नहीं हो सकता। जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, नहीं, शिक्षक को तो भाषा पहले से आनी है, बच्चे बोलने चाहिए और शिक्षक ध्यान से सुनना चाहिए। जहां तीनों ऑप्शन काट दिए तो चौथा वाला अपने आप में सही ही है, फिर भी देख लो, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिक अधिक अवसर मिले, अर्थात बच्चे अपने मन की बात अधिक से अधिक बोल सके और बोले हुए दूसरों की बात को ध्यान से सुन सके, दोनों अवसर जहां पे ज्यादा मिलते हैं, ऐसा एक माहौल आपको भाषा का अंदर बनाना है कि बच्चे अधिक से अधिक उस भाषा का प्रयोग करें और आप भी अधिक से अधिक उस भाषा का प्रयोग करो, बच्चे वही भाषा सुने और वही भाषा बोले, ऐसा माहौल आपको बनाना है, कहने और सुनने का अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए, ऐसा माहौल बनाना भाई। ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा अनिवार्य उद्देश्य नहीं है। ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों के लिए इनमें से भाषा शिक्षण का कौन सा अनिवार्य उद्देश्य नहीं है, इसमें से ऐसी कौन सी चीजें जो बिल्कुल जरूरी नहीं है, है तो है लेकिन अनिवार्य नहीं है। ये कह रहा है विभिन्न संदर्भों में, कौन से स्तर पर पूछा है, प्राथमिक स्तर पर पूछा है, किसके संदर्भ में पूछा है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में, और क्या पूछा है भाई, जो उद्देश्य है वो कौन सा अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, है तो है लेकिन अनिवार्य नहीं है। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों का सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और परिस्थितियों में अपनी बातचीत करने की कुशलता का विकास करना, भाषा का अलंकारिक प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, या मानवीय मूल्यों का विकास करना। देखो मानवीय मूल्यों का विकास तो सर्वाधिक किया जाता है प्राथमिक स्तर पर, यह तो 100% सही होगा। ऊपर पे देखते हो वापस, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों का सही अर्थ ग्रहण करना, ये भी सही है, कैसा भी संदर्भ हो, कैसा भी माहौल हो, वहां पे शब्दों का सही अर्थ ग्रहण करना, ये तो बिल्कुल भाषा के लिए बिल्कुल सही है, तो ये भी इसका नहीं होगा, इसलिए अनिवार्य नहीं पूछा, ये तो अनिवार्य है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में बातचीत करने की कुशलता का विकास करना, प्राथमिक स्तर पर ये तो सिखाया जाता है कि कैसी परिस्थिति में आपको कैसे बोलना है, तो ये भी क्या है भाई, एक प्रकार से सही है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब तीन ऑप्शन कट गए, मतलब सी वाला तो अपने आप सही निकल रहा है, फिर भी देख लो, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना, अरे भाषा अलंकार लगाते हुए शब्दों के साथ में बोले, ये जरूरी नहीं है, सब लोगों के लिए अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं, अलंकारिक भाषा का प्रयोग लेखक लोग, साहित्यकार लोग, कवि लोग ज्यादा करते हैं, आम भाषा में अलंकारिक शब्दों का प्रयोग इतना करना आवश्यक नहीं है। इसके ऊपर है ना, इसका अनिवार्य उद्देश्य नहीं, उद्देश्य तो है लेकिन जरूरी नहीं है कि बालकों को ये भी आप सिखाओ, ये जो होगा उसका उत्तर दोस्तों यहां पे सही नहीं होगा भाई, सी वाला जो है इसका उत्तर सही होगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम, संप्रेषण का मतलब एक दूसरे से बातचीत करने वाला, मैंने एक दूसरे से वार्तालाप करने वाला क्या कहलाएगा, संप्रेषण उपागम। ये कह रहा है भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम भाषा की संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, या बोलने के कौशल पर बल देता है। ये कह रहा है संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब क्या हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान, जो आप बातचीत कर रहे हो, ये कह रहा है भाषा की संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, बोलने के कौशल पर बल देता है। दोस्तों न तो ये संरचनाओं के ऊपर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, कैसे संदर्भ में आपको कैसी भाषा बोलनी है क्या उसके ऊपर बल देता है, ये थोड़ा बहुत सही हो सकता है, इसको रोकिए। मातृभाषा प्रयोग पर निषेध करता है, बिल्कुल नहीं करता है दोस्तों। अब आता देखो बोलने के कौशल पर बल देता है, एक तो व्यक्ति बोलना सीख रहा है इसके ऊपर बल दे रहा है, दूसरा संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, इसमें भी बोल रहा है इसमें भी बोल रहा है, लेकिन इसमें केवल बोल रहा है, इसमें संदर्भ के अतिरिक्त भाषा कहां पे कैसा वातावरण है उसके अनुसार बोलना, बोल इसमें भी रहा है, बोल इसमें भी रहा है, इसमें केवल बोल रहा है, इसमें संदर्भ के अनुसार भाषा प्रयोग करते हुए बोल रहा है, तो इसका वेटेज क्या है, इससे थोड़ा ज्यादा है ना, इसको काट दो, ये वाला ज्यादा सही होगा, ये को सही कर दो, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। संप्रेषण का मतलब बातचीत का मतलब ये होता है, किसी बातचीत किसी किसी टॉपिक पे होगी, उस टॉपिक पे कैसा संदर्भ चल रहा है, उस वक्त कैसी भाषा का आपको प्रयोग करना चाहिए, इसके ऊपर ही बल देता है। बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
ये देखिए अगला प्रश्न, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, भाषा सीखते समय जो त्रुटियां होती है सही नहीं है। देखो ये कैसे लैंग्वेज का प्रश्न घुमाता है, ये प्रश्न अपन ने कल या परसों वाली क्लास के अंदर भी ये प्रश्न था, उसमें ऑप्शन अलग थे, प्रश्न वही है, ऑप्शन उसने चेंज कर दिए। तो मैंने कहा ना ऑप्शन चेंज कर सकता है, प्रश्नों को घुमा सकता है, मानसिक स्तर को ऊपर नहीं उठा सकता दोस्तों, मानसिक स्तर तो वही रहेगा, केवल प्रश्नों में आपको उलझा सकता है। ये क्या है उसमें, एक बार आया था तब ऑप्शन अलग था, दूसरी बार आया उसने ऑप्शन चेंज कर दिए। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां बच्चे, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की ओर असफलताओं के संकेत हैं। भाषा प्रयोग की ओर असफलता की ओर संकेत है, भाषा सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक पड़ाव है। ये कहता है ये सही नहीं है, इसके प्रति आपको क्या करना चाहिए, कठोर रवैया अपनाना चाहिए। देखो है ना, सीखने का पहला जो सीखने की जो पहली स्टेप है वही गलती है, कि जब तक बालक त्रुटि नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीखेगा, जितनी त्रुटियां करेगा उतना ही वो क्या सीखेगा, अच्छा सीखेगा। तो सही नहीं, इसके प्रति कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए, ये तो नहीं होगा इसका सही। बच्चे, शिक्षक और पाठ्यक्रम आदि की असफलता की ओर संकेत करता है, अरे नहीं करता है भाई, पाठ्यक्रम टप हो सकता है तो शिक्षक नहीं, तीनों के तीनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता है। भाषा प्रयोग की ओर असफलता का संकेत करता है, बच्चा भाषा सीखने में त्रुटि सीख रहा है, ये कह रहा है भाषा प्रयोग की ओर असफलता का और संकेत कर रहा है, सीखने के लिए लिखता भी और बोलता भी है, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। काटने के हिसाब से देखें तो डी वाला क्या जा रहा है, अपने आप में सही जा रहा है, कि भाषा सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक पड़ाव है ना। भाषा यदि आप सीख रहे हो और भाषा सीखते सीखते यदि आप गलत कर रहे हो, गलत शब्दों का उच्चारण कर रहे हो ना, ये क्या है, एक स्वाभाविक पड़ाव है जो एक समय के साथ में अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहोगे वैसे वैसे उसके अंदर आपके अंदर क्या आता रहेगा, उसका सुधार आता रहेगा। तो सही उत्तर होगा ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, ये भाषा सीखने का एक स्वाभाविक पड़ाव है। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है ना, नंबर भी बड़े अच्छे ना, एक 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 है ना, 1111 नंबर का प्रश्न देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से, यदि कोई बालक मौखिक अभिव्यक्ति दे रहा है, कोई बालक बोल रहा है, बोलते समय यदि आप बार बार उसको टोक रहे हो तो बार बार टोकने से बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, बच्चे के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चे की त्रुटियां खत्म हो जाती है, बच्चे अपनी त्रुटियों के कारणों को समझ पाते हैं। देखिए कोई बालक बोल रहा है और कोई बोलने की कोशिश कर रहा है ना, अध्यापक का काम नहीं है उसको टोकना, अध्यापक का काम क्या है, सुनना, सुन करके उसको संतुष्ट करना। तो ये कह रहा है बच्चे को अपनी त्रुटियों के कारण को समझ पाते हैं, आप बोल रहे हो और अध्यापक ने टोक दिया आपको, नहीं तू चुप रहे मत बोल, तो क्या त्रुटियों का पता चल जाएगा, नहीं चलेगा दोस्तों, ये तो नहीं होगा। बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती है, कैसे त्रुटियां खत्म हो जाएगी, बालक क्या हो, जब तक आप जो त्रुटि कर रहा है उसका समाधान तो आपको करना पड़ेगा, आपने केवल उसको क्या कर दिया, टोक दिया गया मत बोल, ये भी नहीं हो सकता। बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, आत्मविश्वास और डाउन हो जाता है, बच्चे ने पूछने के लिए आपसे आया गुरुजी ये बताओ, गुरुजी ने कह दिया कि बोल मत, तो आत्मविश्वास क्या होगा, और कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन काटने के हिसाब से अपना जो सही जा रहा है ना वो क्या जा रहा है आपका, ए, यही सही है, बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। एक बार बच्चे बोलने की कोशिश की आपने उसको टोका, दो बार बोलने की कोशिश की फिर भी टोका, बार 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 आप टोकते जाओगे ना, वो बच्चे धीरे धीरे क्या करना करेंगे, बोलने बंद कर देंगे, गुरुजी हमारी बात सुनते ही नहीं है, तो बच्चे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं भाई, खामोश होने लगते हैं। तो बार बार मौखिक अभिव्यक्ति के समय यदि आप इसको बार बार टोक रहे हो ना, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा बालक, तो बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न, भाषा की पाठ्य पुस्तक में से संबंधित पाठ होने चाहिए, किसे, संस्कृति के संबंधित, साहित्य से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, या सभी से संबंधित। भाषा की पाठ्य पुस्तक में देखियो, भाषा की पाठ्य पुस्तक में संस्कृति भी होनी चाहिए, साहित्य भी होना चाहिए, और हल्का फुल्का विज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान भी होगा ना तो धीरे धीरे बालकों के अंदर अंधविश्वास बढ़ता चला जाएगा, तो विज्ञान भी होना जरूरी है, तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। जब तीनों ही होना चाहिए तो सही क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी, मतलब भाषा की पाठ्य पुस्तक में संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, सभी से संबंधित पाठ होने चाहिए, इन तीनों से संबंधित पाठ होने चाहिए। डी जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था, इसमें ऐसा कुछ था भी नहीं। शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है, प्रश्न बड़ा इजी है लेकिन ना उत्तर देना इसके लिए भारी पड़ जाएगा आपका, कि शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है, इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कम महत्वपूर्ण है दोस्तों, अभ्यास, परिवेश, सामग्री या परीक्षाएं,
दोस्तों अभ्यास तो मेन चीज है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एक अच्छे अच्छी योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते। तो अभ्यास के बिना तो संभव ही नहीं, शिक्षण में अभ्यास तो मेन है। फिर आता है परिवेश, परिवेश भी जरूरी है, माहौल होना जरूरी है वैसा का वैसा। यदि माहौल नहीं है तो आप वैसा शिक्षण नहीं कर सकते। भाषा सीख रहे हो और भाषा का परिवेश वैसा नहीं है तो भाषा का अंदर आपका जो अधिगम होगा उतना अच्छा नहीं, ये भी जरूरी है। सामग्री तो पहले जरूरी है, पाठ्य पुस्तक नहीं होगी, सहायक सामग्री नहीं होगी, बताने की चीज नहीं होगी तो आप शिक्षण करोगे कैसे। परीक्षाएं इतनी जरूरी नहीं हुई, परीक्षाएं शिक्षण के बाद की प्रक्रिया है। तो शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम उपयोगी है, परीक्षाएं सबसे कम उपयोगी है, बाकी ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, इन तीनों के बगैर तो कुछ चलते ही नहीं है। परीक्षाएं जो है ना कम उपयोगी, इतनी उपयोगी नहीं है परीक्षाएं, तो केवल लास्ट में जांच लेनी है भाई इसको आगे भेजे या नहीं भेजे, शिक्षण किया जो कितना याद है या कितना याद नहीं है। बाकी शिक्षण में ये तीनों चीजें जरूरी है, अभ्यास परिवेश और सामग्री के बिना बच्चे का विकास नहीं हो सकता। परीक्षाएं यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, इसमें से कौन सी क्रिया करेंगे तो भाषा सहज और प्रभावी रूप से आप सीख सकते हो। प्रश्न ये पूछ रहा है, पहला नंबर भाषा की प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, कि भाषा का प्रयोग कर रहे, ये भाषा के प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, कि भाषा का आपको अधिक से अधिक प्रयोग करना है, इसमें दक्षता प्राप्त करनी है, यह आपका यदि मुख्य उद्देश्य है तो भाषा सहज और प्रभावी बनेगी। दूसरा पूछ रहा है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो, यानी ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर क्या हो, पाठ हो, भाषा के नियम कंठस्थ भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं, या भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं। भाषा शिक्षक का यदि कठोर रवैया अपनाने से टीचर यदि टाइट हो जाएगा ना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, भाषा अच्छी नहीं होगी। भाषा के नियम कंठस्थ करने से भी भाषा अच्छी नहीं हो सकती भाई। भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठ रख दो, और कितने अधिक पाठ रख दो, यदि बालक भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है ना तो भाषा उसकी अच्छी प्रभावी नहीं हो सकती। ये कह रहा सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है, यस बिल्कुल। इसका यदि प्रमुख उद्देश्य क्या बना दिया जाए, भाषा के प्रयोग की दक्षता, कब कैसे किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, इसी दक्षता यदि आपको प्राप्त है इसका, तो यदि ये दक्षता यदि आपको प्राप्त है, ये यदि आपने मुख्य उद्देश्य बना रखा है ना, तब जाकर के आप भाषा का सरल सहज और प्रभावी क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। तो देखा जाए तो अपना जो सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा आपका, ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है भाषा का यदि आप आकलन कर रहे हो, भाषा की यदि आप जांच कर रहे हो किसी बच्चे की, तो इनमें से कौन सा सर्वाधिक यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सुलेख, भाषिक संरचना पर आधारित प्रश्न, विविध अर्थ वाले प्रश्न, या श्रुति लेख। अब क्या कर रहा है, भाषा का यदि आकलन करना है ना, सुलेख से क्या होगा, भाषिक संरचना पर आधारित प्रश्न, केवल भाषा के भाषिक संरचना, भाषा कैसे बनी कैसे नहीं बनी, इसका निर्माण कैसे हुआ, ऐसे प्रश्न से भी भाषा का आकलन नहीं हो सकता। श्रुति लेख से भी लिख सकता है बालक, श्रुति लेखन से लिखने की कला का विकास होता है, श्रवण कौशल का विकास होता है, लेकिन नहीं विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। यदि आप अलग अलग अर्थ वाले प्रश्न पूछोगे ना, तो बालक अलग अलग प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हुए आपका उत्तर देगा। अलग परीक्षा में भी विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछे तो आप भी अलग अलग तरीके से लिखेगा, मौखिक परीक्षा में भी विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछे तो विविध प्रकार से वो बोलेगा। तो जितना बोलेगा जितना लिखेगा तभी तो आपको पता चलेगा ना कि भाषा में उसने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, कि विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना भाई, विविध प्रकार के अर्थ वाले प्रश्न पूछना, दोनों रूपों में पूछ सकते हो, मौखिक रूप में भी पूछ सकते हो आप और लिखित रूप में भी पूछ सकते हो। सही उत्तर जो होगा क्या हो जाएगा भाई, आपके यहाँ पे सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, आकलन मूल रूप से शिक्षक केंद्रित ही होता है, यानी कि जो आप परीक्षाएं लेते हो जो मुख्य रूप से शिक्षक केंद्रित ही होगा, लेकिन मूल रूप से शिक्षक केंद्रित होता है, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, भाषा सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। तो मैंने पहले तो आपको क्या कहा, केवल वाले को काटो, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा, यह तो नहीं हो सकता। पहला वाला देखते हैं, पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, कोई आकलन जरूरी नहीं कि पाठ पूरा हो जाए तो कहा जाता है, आकलन बीच बीच में भी आप कर सकते हो, यह भी नहीं हो सकता है भाई।
भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, इसको रोकिए। मूल रूप से शिक्षक केंद्रित होता है, नहीं होता है, बाल केंद्रित होता है। किस को होता है आकलन जो होता है, कौन से केंद्रित होता है? बाल केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित नहीं होता है। ऑप्शन काटने के हिसाब से अपना सी सही जा रहा है दोस्तों, और सी सही होगा। भाषा सीखने सिखाने का एक अभिन्न अंग है। आप जितना बच्चों का आकलन करोगे उतनी कमियों का त्रुटियों का पता चलेगा, और जितना आप त्रुटियों का विश्लेषण करके समाधान करोगे बच्चे की भाषा उतनी अच्छी होती चली जाएगी। तो सही उत्तर जो यहाँ पे निकल रहा है ना, वो निकल रहा है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण अंग है। सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका। ये देखिए अगला प्रश्न, सतत मूल्यांकन का निहितार्थ है। सतत मूल्यांकन के अंदर निहित अर्थ क्या है? निहितार्थ का मतलब इसके अंदर कौन सा अर्थ है? निहितार्थ है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों की परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षा लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना। आकलन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहा है, सतत मूल्यांकन की बात कर रहा है, जो मूल्यांकन निरंतर चलता है। तो सतत मूल्यांकन के अंदर निहित अर्थ कौन सा है? हर महीने परीक्षाएं लेना? नहीं भाई, ये तो कहता है निरंतर प्रतिपल लो, ये तो नहीं हो सकता। प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, प्रतिदिन क्यों? हर सेकेंड जब तक बच्चा समझ में आ रहा है तब कभी भी आप निरंतर कर सकते हो। बच्चों की परीक्षा संबंधित भय को समाप्त करना ये मूल्यांकन का भी है दोस्तों, ये इसका सही है। लेकिन ये कह रहा है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, जहां पे देखो ये भी सही है भाई, बच्चों को परीक्षा संबंधी भय के मुक्ति के लिए सतत मूल्यांकन करना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन ज्यादा सही ये है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, क्योंकि बात किसकी कर रहा है? सतत की बात कर रहा है ना, तो सतत का मतलब ये होता है निरंतर दोस्तों। तो बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना कि जहां कहीं भी बच्चा बोल रहा है, जैसा भी बोल रहा है, उसका अवलोकन करते हुए पकड़ना कि कहां गलती कर रहा है, कहां गलती नहीं कर रहा है। तो ए जो होगा ना इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ए बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, आकलन, ये साइकोलॉजी का है ना, पांचवी यूनिट में से आ रहे हैं ऐसे प्रश्न। तो आकलन संभव है केवल गतिविधियों के द्वारा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा, केवल परीक्षाओं के द्वारा, केवल परियोजना कार्य के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे कि पहले कौन से ऑप्शन काटने हैं, इन केवल केवल वालों को काटो, क्योंकि केवल वाले कभी सही नहीं होंगे। मतलब सही हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, हर जगह पर नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम चांस ऐसे रहते हैं कि केवल वाले के सही होने के चांस नहीं रहते। केवल गतिविधियों के द्वारा आकलन संभव है, क्या केवल गतिविधियों से ही आप आकलन कर सकते हो, या सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन के द्वारा? तो सबसे देखो गतिविधियां भी सीखने सिखाने के अंतर्गत है, गतिविधि चल रही है, मतलब आप सिखा रहे हो या बच्चे भी सीख रहे हैं, तो ये गतिविधि ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है, इसको काट दोगे इसी के, क्योंकि ये कह रहा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। तो आप सीख रहे हो और सिखा रहे हो, मतलब गतिविधि चल रही है, अध्यापक सिखा रहा है और बालक सीख रहा है, ये इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। इसके हिसाब से अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा भाई, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन के द्वारा आकलन संभव है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, बच्चों के लिखित आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बच्चों के लिखित आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों का यदि लिखते हुए आपको आकलन करना है, लिखित आकलन में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तत्सम शब्दों का प्रयोग करना, अभिव्यक्ति, विचार, वर्तनी या वाक्य विन्यास, किसका आकलन करना है आपको? लिखित। अब तत्सम शब्दों का क्यों करोगे? तत्सम का मतलब वही शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे थे और वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, ऐसे शब्दों से क्या लेना देना? नहीं लेना देना दोस्तों। वाक्य विन्यास का भी इतना ध्यान नहीं दोगे, वर्तनी का भी नहीं। अभिव्यक्ति विचार, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अभिव्यक्ति विचार, क्योंकि ये कह रहा है बच्चों के लिखित आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति के विचार। बालक जो लिख रहा है ना विचारों की, उसकी अभिव्यक्ति क्या है, क्या भाषा की बनावट है, कैसी भाषा के शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है ना, लिखने का तरीका क्या है, शब्दों का कर्म क्या है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाना अभिव्यक्ति विचार, अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति कर रहा है ना लिखित रूप में, वह देखा जाएगा। जिसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है ना, वो क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा दोस्तों, ये सी डी नहीं होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के हिंदी भाषा के
हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। पहले इस नहीं को बोला करो, बाकी प्रश्न गलत हो जाएगा। यह कह रहा है हिंदी भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के, हिंदी भाषा का निरंतर और जो व्यापक मूल्यांकन हो रहा है उसके संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब तीन कथन सही है, देखते क्या क्या कथन दे रखा है। यह बताता है कि बच्चे को किस तरह की मदद की जरूरत है, यह बच्चों के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, यह बच्चों को उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। यह तो बिल्कुल सही है भाई, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों के सीखने की तरीके की जानकारी देगा, कैसे सीख रहा है कैसे नहीं सीख रहा है यह तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, नहीं रखता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन केवल और केवल बच्चों को सिखाने में विश्वास रखता है कि बालक का निरंतर मूल्यांकन करो, जैसे ही गलती आए तुरंत समाधान करो, वापस इसको सिखाओ, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पर यह जोर नहीं देता है, यह नहीं होगा। लेकिन फिर भी दूसरे पढ़ लेते हैं, यह बच्चों के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, यह तो बिल्कुल सही है, यह भी नहीं होगा। यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की जरूरत है, बिल्कुल आप निदान करोगे तो पता चलेगा ना बच्चों को किस प्रकार की आपकी हेल्प चाहिए। तीनों सही है, ऑप्शन काटने के हिसाब से भी ये सही है और वास्तविकता में देखा जाए तो भी यही सही है। ये उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के ऊपर जोर नहीं देता दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके ऊपर जोर देता है आपका, हाँ, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का काम उपलब्धि परीक्षण करता है दोस्तों। ये उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों को विभाजित करने पर विश्वास नहीं करता, ये बच्चों को सिखाने के ऊपर विकास करता विश्वास करता है। अब देखिए अगला प्रश्न, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका भाषा इसका यह व्यवहार दर्शाता है कि, देखो माधुरी क्या कर रही है, पढ़ रही है, पढ़ते पढ़ते क्या कर रही है, शब्दों की पुनरावृत्ति कर रही है। कुछ शब्द हैं जिसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बोल रही है वापिस, बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति कर रही है। माधुरी का यह व्यवहार क्या दर्शा रहा है, फर्स्ट समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक अटक कर पढ़ सकती है, तो उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, वह पढ़ने में ज्यादा समय लेती है, ज्यादा समय नहीं ले रही दोस्तों। ये नहीं कह रहा है कि अक्षर धीरे धीरे पढ़ रही है, ये तो कह रहा है पढ़ने वाला जो वर्ड है उनको बार बार आवृत्ति करी, पुनरावृत्ति कर रही है, ये नहीं होगा। उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, कैसे नहीं आता, पढ़ना नहीं आता तो शब्दों को बार बार कैसे पढ़ती है, ये भी नहीं है। वह अटक अटक कर ये पढ़ सकती है दोस्तों, ये नहीं कह रहा है अटक अटक कर पढ़ती, तो वो धीरे धीरे एक शब्द को पढ़ती, वह एक शब्द को बार बार पढ़ रही है ना, इसका मतलब वो अटक नहीं रही है दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता। काटने के हिसाब से देखें तो ए सही है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल पढ़ते पढ़ते उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, वह समझने की कोशिश कर रही है, समझते समझते पढ़ रही है ना, इसलिए कोई शब्द का अर्थ उसको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भूल जा रही ना, इसलिए वो शब्द की बार बार क्या कर रही है, पुनरावृत्ति कर रही है। सही जो होगा आपके ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन काटना सीखना बहुत जरूरी है भाई, शिक्षण वीडियो में ऑप्शन काटना नहीं सिखाना तो आपका बहुत भारी काम पड़ जाएगा। नाटक शिक्षण में सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैसे भी कल को परसों दो बच्चे कमेंट करके कह भी रहे थे सर अब जो हमारा लेवल अच्छा हो गया, हम जो पेपर सोल्व कर रहे हैं ना उसके अंदर हमारे 40 प्लस क्वेश्चन शिक्षण वीडियो में क्या होने लग गए, सही होने लग गए। कारण क्या है कि हम धीरे धीरे ऑप्शन काटना सीख गए। कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिनका उत्तर नहीं भी आता है ना, फिर भी ऑप्शन काट के करें तो हमारा उत्तर क्या जा रहा है, सही जा रहा है। और यही थ्योरी आपके ना मेन परीक्षा में भी काम आएगी, ऑप्शन काटना सीख जाओ ना मनोविज्ञान और है ना शिक्षण विज्ञान की अंगुलियों पे नाचने लग जाएगी दोस्तों, यदि ऑप्शन को काटना सीख गए तो। केवल थ्योरी पढ़ने पर विश्वास किया ना तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ऑप्शन काटने के ऊपर महत्वपूर्ण है, और ऑप्शन काटने के लिए प्रश्न को समझना जरूरी है। ये क्या कह रहा है, नाटक शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नाटक शिक्षण आप करवा रहे हो उसके अंदर सतत और व्यापक मूल्यांकन कर रहे हो, निरंतर मूल्यांकन कर रहे हो, इसमें से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। पढ़े गए नाटक का मंचन, पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना, लिखित परीक्षा, मुख्य संवादों का सुंदर रूप से लिखना। अरे मुख्य नाटक शिक्षण के अंदर सतत मूल्यांकन करना है कि बालक ने नाटक कितना सीखा है, तो संवादों का सुंदर रूप से लिखना थोड़ी सिखाओगे, नाटक तो करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना नाटक बालकों ने कैसा सीखा है, लिखित परीक्षा भी नहीं होगा। पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना, अरे नाटक शिक्षण करवा रहे हो लिख करके नहीं, नाटक का आप मंचन कराओगे ना तब पता चलेगा कि ना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से बालक नाटक कितना अच्छा कर सकता है या नहीं कर सकता है, कौन कौन सी क्वालिटी या नहीं, ये भी नहीं होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए, पढ़े गए नाटक का मंचन करना। नाटक शिक्षण में सतत मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कोई है जो आपने नाटक पढ़ा है ना उसका आपको क्या करना है, मंचन करना है। साथ साथ में ना मंचन करने का मतलब नाटक प्रायोगिक रूप से आपको करना है। 1123वां प्रश्न है,
किस विधा के शिक्षण में आप मौन पठन को महत्व देंगे? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको मौन पठन में आप महत्व देंगे? कहानी, कविता, एकांकी या निबंध? ये कह रहा है कि किस विधा के शिक्षण के समय मौन पठन को महत्व देंगे? भाई एकांकी भी मौन पठन में पढ़ी जा सकती है, कविता, कहानी या निबंध। अब देखिए, वो कहानी जो है ना वो भी आप मौन पठन कर सकते हो, लेकिन कहानी को तो आप क्या करोगे, सुनाओगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। कविता भी क्या होती है, मौन पठन किया जा सकता है, लेकिन कविता यदि मुख से गा गा करके पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। एकांकी भी यही है, नाटक को भी अगर आप सुनाओगे तो अच्छा लगेगा। ये कह रहा है किस विधा के शिक्षण में समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? तो निबंध है ना, उसको क्या करोगे आप मौन पठन? निबंध को ये ना सुनना पसंद नहीं करता है, मन मन में पढ़ लो। आप वो दीपावली के ऊपर निबंध लिखिए, पाठ्य पुस्तक में आप देखते थे ना, अब उस निबंध को आप पढ़ना, जोर जोर से पढ़ो, कोई नहीं सुनेगा। निबंध का मौन पठन करो ज्यादा बेटर है। बाकी इन तीनों को तो आप बोल करके करोगे ना तो लोग सुनेंगे भी ज्यादा और आपको याद भी और अच्छा होगा। आपने कभी ऐसा सुना है, कविता आपने सुनी होगी लोगों को, कहानी भी सुनी होगी, एकांकी भी कई बार सुनी होगी, लेकिन ऐसा कभी सुना है कि निबंध आपने किसी दूसरे को सुनाया हो कि नहीं आज मैं आपको निबंध सुनाऊंगा? नहीं कहता ना कभी भी। तो निबंध को क्या है, मौन वचन पढ़ने की चीज है भाई, निबंध इसका सही उत्तर होगा। देखिए, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बोलने का मतलब वदन, मौखिक कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? आंखों देखा वर्णन करना, बोलने की तेज गति, शुद्ध उच्चारण या समझ कर बोलना। देखो, आंखों देखा वर्णन करना ये भी अच्छी बात है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बिना आंखों देखा भी बोल सकते हो आप। बोलने की तेज गति जरूरी नहीं है, शुद्ध उच्चारण ये तो जरूरी है बोलने में, लेकिन इतना नहीं। ये कह रहा है समझ करके बोलना। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सोच समझ करके बोलना। बिना सोचे समझे नहीं बोलना, मुझे कहां क्या शब्द बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये आपको क्या होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए। तो समझ करके बोलना इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? समझ करके बोलना, सोच समझ करके बोलना। डी क्या हो जाएगा भाई, इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? आप बालकों को यदि कविता पढ़ा रहे हो, कविता दे रहे हो, तो सर्वाधिक महत्व किसको देंगे? कविता का भावपूर्ण पठन और रस अनुभूति करने में, अलंकारों की पहचान में, भाव विश्लेषण में, या तत्व, ये नीचे आ गया तो यहाँ पे नीचे वाला यानी तत्वों के आधार पर समीक्षा पर भी इतना बल जरूरी नहीं है। भावों का विश्लेषण ना अर्थ के बाद में पता चलता है, इतना भी जरूरी है। अलंकार तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कविता पाठ का भावपूर्ण पठन, भाव के साथ में उसको पढ़ना, रस के साथ में पढ़ना, और रस की क्या करना, अनुभूति करना, भाव की अनुभूति करना। क्योंकि कविता कौन सा, पद्य शिक्षण का भाग है, और पद्य शिक्षण कहता है ये लय, गति, आरोह, अवरोह, भाव का क्या करना है आपको, रस का ग्रहण करना है, अनुभूति करनी है। तो ए जो होगा ना यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा भाई। सिंपल प्रश्न था, इसमें से कुछ था भी नहीं। एकांकी पाठ का, एकांकी जो पढ़ते हो आप, एकांकी पाठ का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या है? एकांकी यदि आप पढ़ रहे हो ना, इसका मेन उद्देश्य क्या होगा? एकांकी लिखना सिखाना, एकांकी की समीक्षा करना सिखाना, एकांकी विधा से परिचित करना, या विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। एकांकी आप समझिए, पहले एकांकी क्या होती है, आपने वो कक्षा के अंदर बैठा होगा ना, अलग अलग पात्र बना करके आपको खड़ा कर दिया जाता था, और वो पात्र क्या करते थे, बोलते रहते थे, जैसे ये सीता बना, ये राम बना, वो लक्ष्मण बना, ये रावण बना, अपने अपने डायलॉग होते थे ना, उसी भाव के साथ में उस डायलॉग को बोलते थे, और कक्षा के अंदर एक प्रकार का मंचन चलता था। तो एकांकी लिखना सिखाना ये आप सबसे पहले नहीं करोगे, समीक्षा करना सिखाना ये पढ़ने की बात की बात है। एकांकी पाठ का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? एकांकी विधा का परिचय करना नहीं, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। सीता कैसे बोल रही है, धीरे धीरे बोल रही है, रावण कैसे बोल रहा है, जोश में बोल रहा था, अध्यापक बोला था ना अगर तू रावण बनाया ना तो रावण की लय गति में बोल, वो कैसे बोलता होगा ऐसे जोश के साथ में बोल, तो बच्चा उसी तरीके से बोलना था। इसका जो मेन उद्देश्य ना वो यही है, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। यह डी जो होगा आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। शिक्षक अपने स्वयं की भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसकी कुशलता है। कैसे पता चलेगा उसकी कुशलता से? बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श प्रस्तुत करती है। कुशलता से या बिना, कुशलता से बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है।
बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बच्चों का अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती हैं, बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती हैं। तो शिक्षण में कोई भी बाध्य नहीं होता, स्वतंत्र होता है, बच्चा अपनी गति से सीखता है। इस बाध्य वाले को तो काटो पहले। अब तीन ही बच्चे इसमें देखते हैं, बच्चों का अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, बच्चों की अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। यदि अध्यापक आपकी कक्षा में कोई भाषा का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको द्वारा आपको अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना सिखा रहा है, ये भी नहीं होगा भाई। बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि शिक्षक की जैसी भाषा होगी वो बच्चों के ऊपर 100% प्रभाव छोड़ेगी, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा उसको सुन रहा है, तो ये भी नहीं है। अब बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, ये बिल्कुल सही होगा। आदर्श रूप प्रस्तुत कर, टीचर जैसा बोलेगा, कहते ना टीचर को जितना बालक सुन करके नहीं सीखता है ना, उतना देख करके सीखता है। टीचर एक बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है, उसको देख देख करके बच्चा उसका क्या करता है, अनुकरण करता है। तो अध्यापक जैसी भाषा बोलेगा, वो प्रयोग करेगा, उसी का आदर्श रूप प्रस्तुत करेगी, बच्चा भी ऐसे चाहेगा कि मैं धीरे धीरे क्या करूं, इसी तरीके से बोलना सीख जाओ। तो ये ए जो है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा। आप भी आपने सोचा होगा ना, ऐसे आपके टीचर के रहे होंगे कोचिंग लाइफ में, देख लो स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, उन टीचरों को देख करके आपको लगता था कि मुझे भी इनकी तरफ बोलना सीखना, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। कारण क्या है, उनकी भाषा बहुत अच्छी है, वैसे भाषा का प्रयोग आप भी करना चाहते हो, ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है, सस्वर आप पढ़ रहे हो ना, इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है भाई, मौन पठन करना। सस्वर पढ़ रहे हो तो मौन पठन तो कैसे करोगे, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, यह सही हो सकता है। बोल बोल कर पढ़ना केवल बोलना सस्वर नहीं है, द्रुत गति से प्रदान करना, द्रुत गति से मौन वाचन होता है, सस्वर वाचन नहीं होता है। ऑप्शन काटने के हिसाब से बी सही हो गया आपका, बच्चों के पढ़ने के संबंधित झिझक को दूर करना। मतलब कोई बच्चा मान लो नहीं पढ़ रहा है, सारे बच्चों को सस्वर अध्ययन कराओ, अब कोई बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है तो धीरे 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 उनके साथ में पढ़ने लगेगा, पहले हल्की आवाज में करेगा, रोज दो चार दिन आप सस्वर वाचन कराओ, धीरे धीरे वो बच्चा भी क्या करेगा, साथ में पढ़ना सीख जाएगा। तो बच्चों की झिझक दूर करने के लिए क्या किया जाता है, सस्वर पठन कराया जाता है, बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए अगला प्रश्न, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, मतलब एक भाषा की क्लास है जिसमें आप समाचार पत्र पढ़ा रहे हो, यह क्या सुनिश्चित कर रहा है, क्यों पढ़ा रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है, क्या निश्चित कर रहा है, पढ़ाने के पीछे क्या रीजन है, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है क्या, इसके द्वारा शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों का मुख्य शीर्षक याद है, या बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। भाई भाषा कक्षा के अंदर आप प्रमाण पत्र पढ़ा रहे हो ना, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, पहला ये शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, ये नहीं हो सकता। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र को पढ़ाना, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, इसके लिए आप प्रार्थना में भी समाचार पत्र पढ़ा देते हो, खाली भाषा की कक्षा में क्यों पढ़ा रहे हो, ये भी सही नहीं हो सकता। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, इसे भी नहीं। बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। यदि भाषा की कक्षा में कोई समाचार पत्र का वाचन करवा रहे हैं, समाचार पत्र पर चर्चा हो रही ना, इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य है कि बच्चे इतने होशियार हैं कि प्रमाणित लेख जो है ना, ऑथेंटिक जो लेख आते हैं समाचार के अंदर, उनके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, अक्षमता प्राप्त करके ये लेख कहां तक सही है, कहां तक गलत है, क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह अपनी समीक्षात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। डी इसका उत्तर सही हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, लेखन कौशल का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक नहीं पूछा गया, लेखन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, आंखों देखी घटनाओं का लिखना, प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन करना है, इसे तो बिल्कुल होगा दोस्तों, ये तो नहीं हो सकता। अधूरी कहानी की पूर्ति करना, लेखन कौशल का विकास हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। प्रतिलिपि एक बार डॉट लगाओ, आंखों देखी घटनाओं को लिखना, इन तीनों में लिखने का काम कर रहा है, प्रतिलिपि में क्या कर रहा है, नहीं लिखना, लिखना शब्द नहीं आया, प्रतिलिपि में इतना लेखन कौशल का विकास नहीं होता, ये भी महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इन तीनों की तुलनाओं में ये कम महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये कह रहा है सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण प्रतिलिपि, ये तीनों तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्य सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है, यानी कि इसमें से कौन सी चीजें जिसका अनिवार्य रूप से आपको क्या करना है, सस्वर पठन करना
अनिवार्य रूप से स्वस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है। निम्न एकांकी जीवनी या आत्मकथा, किसका स्वस्वर पठन करना जरूरी नहीं है दोस्तों, एकांकी जीवनी आत्मकथा इन तीनों का तो जरूरी है, इस निबंध का नहीं। क्या निम्नलिखित में से कौन से विधा अनिवार्य स्वस्वर पठन किया जाना अपेक्षित नहीं है, यानी अपेक्षित है कैसे लिखते, अपेक्षित है किया जाना अपेक्षित है, निबंध एकांकी जीवनी या आत्मकथा, एकांकी जीवनी या आत्मकथा, ये कह रहा है अपेक्षित है पूछ रहा है, तो देखिए निबंध नहीं होगा, किसका जरूरी है किया जाना। देखो आत्मकथा को स्वस्वर इतना पढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि व्यक्ति ने अपने बारे में लिखना है, जीवनी का भी इतना जरूरी नहीं है, जीवनी क्या होती है किसी व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है उसका आप क्या स्वस्वर करोगे, एकांकी तो जरूरी है क्योंकि आप इसके अंदर तो पात्र होते, पात्र तो स्वस्वर में पढ़ेंगे, निबंध भी कोई जरूरी नहीं है, ये तीनों जरूरी नहीं, एकांकी के अंदर अनिवार्य रूप से स्वस्वर का होना जरूरी है, ये भी जो है आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अरे प्रश्न ध्यान से पढ़ना जरूरी है, प्रश्न यदि आपको ध्यान से नहीं पढ़ाना उत्तर के अंदर कंफ्यूजन हो जाओगे। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन क्या कहलाता है, भावपूर्ण पठन कर रहे हो पाठ्य वस्तु का क्या है, केवल कविताओं पर ही लागू होता है, पठन का एकमात्र आदर्श रूप है, पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है, अर्थ को समझने में मदद करता है। मैंने क्या कहा, ये केवल वाला है इसको उड़ाओ, ये एकमात्र वाला है इसको भी उड़ाओ, अब ये दो बचे, पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है और अर्थ को समझने में मदद करता है। ये भावपूर्ण पठन, ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, पहली क्या शर्त है, कोई शर्त नहीं है, पठन की पहली या अनिवार्य शर्त है कोई जरूरी नहीं है, अर्थ को समझने में मदद करता है, ये भावपूर्ण पठन, भाव के द्वारा पढ़ते हो तो अर्थ समझने में आपको आसानी रहती है, अर्थ को समझने में मदद करता है, डी इसका उत्तर जो होगा क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि बच्चों पढ़ने की कुशलता का यदि विकास कर रहे हो तो इसके लिए क्या जरूरी है, बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, मैंने कहा ना शिक्षण में कोई चीज बाध्य नहीं होती, इसको तो पहले ही उड़ा दो, बच्चों को विविध प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जाए ये थोड़ा सही है, बच्चों को बोल बोलकर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाए कोई जरूरी नहीं है, बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, मैंने कहा ना शिक्षण में कोई बाध्य नहीं होता, तो ऑप्शन काटने के हिसाब से अपना बी सही जा रहा है, और वैसे भी बी सही है, पढ़ने की कुशलता का विकास करना है ना, विविध प्रकार की उसको विशेष सामग्री दे दो, पढ़ने के अंदर क्या करेगा विकास होगा, क्योंकि एक तरह की सामग्री सोचो आपकी किताब के अंदर केवल आपकी क्लास के अंदर हिंदी की किताब चलती तो पढ़ने के अंदर इतना विकास नहीं होता, हिंदी सामाजिक पर्यावरण संस्कृत सब पढ़ रहे हो अब पढ़ने का विकास हो रहा है, बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न भी सारे समझाने वाले आ गए आपके, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है, आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानेंगे, सपना नाम की कोई मैडम है वो क्या कर रही है बालकों को बोलने के विकास के लिए मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप कर रही है कक्षा के अंदर, इन चारों में से आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको मानेंगे, ये क्या है सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा होगा, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, शब्दों को जोर जोर से बोलना, कहानी का बोल बोल करके पढ़ना, या समाचार पत्र वाचन, समाचार पत्र वाचन इतना जरूरी नहीं है, कहानी को बोल बोल करके पढ़ना ये भी ठीक नहीं लग रहा है मुझे तो, शब्दों को जोर जोर से बोलने से क्या होगा कुछ नहीं होगा, ए वाले से होगा दोस्तों, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, अलग अलग परीक्षा में अपना संवाद देना, हर अलग अलग परिस्थितियों में अपनी भाषा का प्रयोग करना, मौखिक कौशल की बात कर रहा है, जितनी परिस्थिति में जितनी बार संवाद करेगा उतनी मौखिक कौशल का क्या होगा विकास होगा, ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा भाई। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, द्वितीय भाषा के रूप में दूसरी भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि प्रथम भाषा ये द्वितीय भाषा वो त्रिभाषा सूत्र की नहीं है दोस्तों, ये समझ में त्रिभाषा सूत्र की दूसरी द्वितीय भाषा है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य द्वितीय भाषा मतलब एक भाषा तो बालक जो घर पे जानता है अब दूसरी भाषा सीखने के लिए आया विद्यालय में, इसका उद्देश्य क्या है, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करता है, मतलब हिंदी लिखना सिखाना है केवल यही उद्देश्य क्या, नहीं ये तो नहीं हो सकता, हिंदी और अपनी मातृभाषा में अंतर को कंठस्थ करना, बालक की जो घर पे जो बोलने की भाषा सीखी थी और अब जब हिंदी सीखा रहो इनमें जो अंतर है उसको कंठस्थीकरण के लिए हिंदी सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता है, हिंदी व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, व्याकरण पहली चीज नहीं व्याकरण बाद में, पहले भाषा आना जरूरी है, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, सिंपल सी बात है बिल्कुल जरूरी है कि आप दैनिक जीवन में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करो, इसलिए द्वितीय भाषा के रूप में आपको क्या पढ़ाई जाती है हिंदी पढ़ाई जाती है। ये देखिए अगला प्रश्न, स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना, स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यह उद्देश्य तो है एकमात्र उद्देश्य भी नहीं है, एकमात्र केवल वाले प्रश्न नहीं होते, भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता देता है, अभी स्वाभाविकता अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना ये क्या है,
भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य ये सारे के सारे, ये भाषा शिक्षण के जितने भी है ना दोस्तों महत्वपूर्ण उद्देश्य ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी, भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। अलग अलग विषय की यदि कोई कक्षा चल रही है, मान लीजिए हिंदी शिक्षा पढ़े और सामाजिक में भी यदि सामाजिक पढ़ा रहे हैं तो वहां पे इनकी कक्षाओं में ये हिंदी बोली जा सकती है ना, बोली जा सकती है, ये तो सही है। अत्यंत जटिल प्रक्रिया है नहीं, अभी भाषा की कक्षा कक्ष में ही संभव ऐसा नहीं है, जो भाषा सीख रहे हो आप उसी भाषा की कक्षा में बोलोगे ये भी जरूरी नहीं है। घर में संभव नहीं है, घर में भी संभव है, मतलब कोई सा भी विषय पढ़ो, यदि आपने हिंदी सीख रखी है ना तो कोई सी भी विषय पढ़ो वहां पे हिंदी आपके काम आई जाएगी। तो विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी ये क्या है भाई, संभव है, ए इसका सही उत्तर रहेगा। ये देखिए अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर तक फेल करने की व्यवस्था का अंत किस कानून की देन है। ये तो आरटी से प्रश्न आ रहा है कि उच्च प्राथमिक यानी कि एक से लेकर के आठवीं तक कक्षाओं के बच्चों को अब आप फेल नहीं कर सकते, अनुत्तीर्ण नहीं कर सकते, ये किस कानून के अंतर्गत लिखा हुआ है। आरटीआई, आरटीई, आरटीआई दोबारा आ गया, आरटीसी, तो ये आरटीसीपी, आरटीआई कुछ नहीं है दोस्तों, सही उत्तर होगा आपका आरटीई, आरटीई 2009। इसने क्या कर रखा है, इसने बंद कर दिया, अभी कक्षा आठवीं तक के बच्चों को अब कोई फेल नहीं करेगा, उसके बाद में आठवीं तक कोई बच्चा फेल हुआ ही नहीं है, इसलिए बच्चे क्या होते जा रहे, पास होते जा रहे। ये नियम कुछ हद तक तो सही है क्योंकि बालक अनिवार्य रूप से फेल के डर से पढ़ने के लिए नहीं आते ना, वो बच्चे पढ़े, लेकिन कुछ हद तक गलत भी है। कोई बच्चा यदि आगे की क्लास में जाने के लिए योग्य नहीं है फिर भी बच्चे अध्यापक को क्या करना पड़ता है, उसको आगे कक्षा में भेजना पड़ता है। आरटीआई 2009 20 इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, बी। देखिए ये प्रश्न, आरटी 2009 की इनमें से विशेषता नहीं है, आरटी 2009 इनमें से किसके ऊपर बल नहीं देती है, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा या 100% इसके ऊपर बल देती है। आरटी 2009 में लिखा हुआ है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। प्राइवेट ट्यूशन का अंत बिल्कुल कर दिया है इसने, आरटी में लिखा हुआ है कोई भी सरकारी अध्यापक है ना गैर सरकारी तरीके से बच्चों को घर पर ट्यूशन शिक्षा नहीं दे सकता, कोई गवर्नमेंट टीचर बना हुआ है ना वो कोचिंग में जाकर के पढ़ा भी नहीं सकता दोस्तों, ये भी कानूनन क्या है, अपराध है एक तरीके से। सरकारी नौकरी लगी है ना वो पैसे लेकर के किसी कोचिंग पर पढ़ाने भी नहीं जा सकता दोस्तों, प्राइवेट ट्यूशन का अंत करना। शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना का निषेध बिल्कुल किया है, आरटी 2009 ने कहा है किसी भी प्रकार से आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बच्चों को कोई दंड नहीं दोगे, ये तीनों बातें आरटी में लिखी है। निजी विद्यालय का प्रोत्साहन इस पर बल नहीं दिया गया, निजी विद्यालय के बारे में आरटी ने कुछ नहीं कहा, निजी विद्यालय को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, यहां पे सरकारी विद्यालय को क्या दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस कक्षा तक सभी विद्यार्थियों हेतु राजकीय शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया गया है, यह भी आरटी 2000 उसने पूछा किस कक्षा तक सभी विद्यार्थियों हेतु राजकीय शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया है, मतलब कौन सी कक्षा तक यदि आप पढ़ते हो तो आपको शिक्षण का शुल्क नहीं देना पड़ेगा, पढ़ने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कौन सी कक्षा तक, 1 से 5 तक, 1 से 12 तक, 1 से 8 तक या 1 से 6 तक। तो दोस्तों ध्यान रखना आरटी 2009 के द्वारा 1 से 8 तक तो अनिवार्य रूप से उनको पास करना है, लेकिन शुल्क जो है ना 1 से 12 तक बंद है, तो आप कक्षा 1 से लेकर के 12 तक पढ़ो, शिक्षण के नाम का आपको एक भी पैसा सरकारी विद्यालय में जमा नहीं करवाना है। ये ना आरटी किस कक्षा तक है तो कक्षा 1 से 12 तक ये आरटी ने बंद कर दिया है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाते हैं ना वहां पे कोई ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से विद्यालय में नहीं जा सकते, तो सरकार ने कुछ प्रतिशत भाग रखा है कि आप कुछ बच्चों को क्या करो, प्राइवेट स्कूल वाले अपने विद्यालय में पढ़ाओ, हम सरकारी रेट के अनुसार उनके पैसे हम देंगे। ये कितने प्रतिशत बच्चे होने अनिवार्य है दोस्तों, 10%, 25%, 30% या 50%। दोस्तों इसका सही उत्तर है 25%। 25% कैसे, नर्सरी कक्षा में जो उस विद्यालय की पहली कक्षा चल रही है उस पहले जहां उस विद्यालय में एडमिशन दिया जाता है उस एडमिशन में लेने वाले कुल 25% बच्चों को निशुल्क शिक्षा देनी है आरक्षण के तौर पर, निशुल्क प्राइवेट वालों की तरफ से नहीं होगी, उनको पैसा सरकार देगा। अब नर्सरी वाला बच्चा जब तक वो उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है ना तब तक वो उस स्कूल में के लिए फ्री है, उसका पैसा कौन देगा, सरकार देगा। वापस नर्सरी में अगले साल नए एडमिशन होंगे ना उनके भी 25% बच्चे क्या पढ़ेंगे, निशुल्क पढ़ेंगे, 25% इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए
मूल्यांकन की प्रकृति है, वापस मूल्यांकन की प्रकृति है उपचारात्मक, निदानात्मक, रचनात्मक ए व बी सी दोनों। यहाँ पे ए सी दोनों उत्तर होगा दोस्तों। रचनात्मक मूल्यांकन की प्रकृति नहीं होती है, उपचारात्मक भी होती है निदानात्मक भी। रचनात्मक शिक्षण की प्रकृति। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? परीक्षा लेना। परीक्षा में कौन सी रचना करेगा आदमी? उपचारात्मक और निदानात्मक, ये इसकी प्रकृति है। रचनात्मक इसकी प्रकृति नहीं है। सी जो है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा। डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। मूल्यांकन की प्रक्रिया है नकारात्मक सकारात्मक, नकारात्मक अधिक और सकारात्मक कम, नकारात्मक कम और सकारात्मक अधिक। ये दोनों नहीं है, सकारात्मक और नकारात्मक, नकारात्मक भी नहीं। मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल और केवल सकारात्मक होती है, नकारात्मक नाम की कोई चीज नहीं होती भाई। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। वर्तमान की परीक्षा प्रणाली असफल रही है, इसमें से कौन कौन से कारणों में वर्तमान की परीक्षा प्रणाली असफल रही है? बालकों की तार्किक क्षमता का मूल्यांकन में। कोई परीक्षा अभी तक ऐसी नहीं बनी जो तार्किक क्षमता का मूल्यांकन कर सकती हो। शिक्षण की व्यवहारिक उपयोगिता के मूल्यांकन में बस केवल पाठ्य पुस्तक पर जोर दिया जा रहा है, उसका व्यवहारिक उपयोग नहीं समझाया जा रहा है दोस्तों। शिक्षण के दौरान प्राप्त जीवन का व्यवहारिक अनुभवों के साथ में मूल्यांकन, बालक का व्यवहारिक अनुभव क्या है इसको कभी भी शिक्षण के साथ में जोड़ा नहीं जा रहा है। इन तीनों के तीनों कारणों में वर्तमान की परीक्षा प्रणाली क्या हो रही है? फेल हो रही है। उपयुक्त मूल्यांकन डी जो होगा उसका सही हो जाएगा। नई शिक्षा नीति जो 2020 जो आने वाली ना, अपडेट जो 1986 का आया था उसके अंदर है ना, ये सारी चीजें ऐड की गई, अभी तक इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि है, दो विधियां होती है, मैंने पहले ही बता रखी है, एक प्रमापी और एक अप्रमापी। प्रमापी जो विशेषज्ञ द्वारा निर्मित होती है और अप्रमापी जो शिक्षक के द्वारा निर्मित होती है। संचित अभिलेख कौन बनाता है? शिक्षक बनाता है। प्रश्नावली कौन बनाता है? शिक्षक बनाता है। आत्मकथा बालक के बारे में जो आत्मकथा लिखी जाती है इसका रिकॉर्ड भी कौन रखता है? शिक्षक रखता है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर प्रमापीकृत बनना, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व, उपलब्धि, रुचि, इसके आधार पर प्रकृति परीक्षण का निर्माण होता है। तो बुद्धि परीक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे अप्रमापी के उदाहरण होंगे। ये देखिए प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से निम्नलिखित में से किस गुणों का अधिक प्रभावी होगा? ये मूल्यांकन के गुण है। किसकी संख्या बढ़ा दिया आपने? प्रश्नों की संख्या बढ़ाने का मतलब क्या है? सारे पूरे पाठ्यक्रम का समावेश कर रहे हो आप। पूरे पाठ्यक्रम के समावेश को हम क्या कहते हैं? व्यापकता। का है व्यापकता? व्यापकता सही होगी, वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता और वैधता नहीं होगी। इनको मैं कई बार आपको समझा सकता हूँ। वस्तुनिष्ठता का मतलब एक से अधिक अध्यापकों के द्वारा जांच करने पर प्राप्त होने में कोई अंतर नहीं है। वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता, मूल्यांकन उपयोगी होना चाहिए। वैधता, जिस उद्देश्य का निर्माण किया उसी उद्देश्य की पूर्ति करे वैध कहलाएगा। लेकिन प्रश्नों की संख्या बढ़ानी मतलब वो सारे पाठ्यक्रम को लेना चाह रहा है, यहाँ पे व्यापकता सही होगा। विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है, मूल्यांकन का एक गुण है। विभेदकारी परीक्षा किसमें अंतर करती है? प्रतिभावान छात्रों में, सामान्य छात्रों में, कमजोर छात्रों में, उपयुक्त सभी में दोस्तों। विभेदकारिता का गुण यही कहता है, स्तर के अनुसार बालकों को क्रमबद्ध श्रेणी में बांट देना। सामान्य स्तर के बालक को अलग कर दो, प्रतिभाशाली को अलग कर दो, मंद बुद्धि को अलग कर दो, ये तीनों के लिए भाई एक जैसा है, बस उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ये देखिए अगला प्रश्न। छोटी कक्षाओं में गणित शिक्षण को सहज बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी? छोटी कक्षा में आपको गणित शिक्षण को अच्छा बनाना है, कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी? उपयुक्त सभी नहीं होगी। विश्लेषण विधि बच्चे नहीं समझते, छोटे बच्चों से नियम याद नहीं होते। खेल विधि रहेगी ना, खेल विधि से छोटे बच्चे आराम से सीख जाएंगे। सिंपल प्रश्न, इसमें कुछ नहीं। समस्या समाधान विधि के जनक है दोस्तों आर्मस्ट्रांग, प्लेटो, किलपैट्रिक या सुकरात। यह सही है, सुकरात एवं सेंट थॉमस। ये नहीं है दोस्तों, सुकरात एवं सेंट थॉमस इसका सही उत्तर हो जाएगा। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सुकरात एवं सेंट थॉमस, दोनों का नाम साथ में आ रहा है तो दोनों इसके में जो सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न। किसका प्रशिक्षण बालक की मानसिक शक्तियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है? किसका प्रशिक्षण, इसमें से किसका प्रशिक्षण दिया जाए? तो बालकों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है, अधिक से अधिक दिमाग का प्रयोग करेगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित या चित्रकला। देखो हिंदी अंग्रेजी में इतना नहीं करता, दोनों लैंग्वेज है, गणित में भी करता है और चित्रकला में भी करता है। मानसिक शक्ति का विकास दोनों में होता है, लेकिन गणित में दिमाग के घोड़े सबसे ज्यादा दौड़ाने पड़ते हैं, चित्रकला में इतना नहीं दौड़ाने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है ना, गणित का प्रशिक्षण देने से मानसिक शक्तियों का विकास सर्वाधिक होगा। ये गणित यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। अपन ने कितने प्रश्न कर लिए? 1150 प्रश्नों का सफर पूरा कर लिया है। इसके बाद के जो प्रश्न है वो आगे से पढ़ेंगे, 1151 से लेकर के 1200 तक के प्रश्न, वो प्रश्न पढ़ेंगे अपन आगे की कक्षा में। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, मेरी तरफ से मंगलमय कामनाएं। हाँ, थोड़ा सा टाइम आज जो है ना ज्यादा हो गया, इसके लिए क्षमा। तब तक के लिए भाई राधे राधे।